हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स का नया एपिसोड, जिसमें हम लोग अप्रैल 2021 के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं जनवरी फरवरी मार्च के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं, वो वीडियोज वहां से देख लेना, उसके नोट्स आप अपने बना लेना, ठीक है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं MBA रिलेटेड उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ में अगर आपको आज की जो वीडियोस के नोट चाहिए, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बज एजुकेशन, इसको फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी, वर्ड्स, क्वांट, शॉर्टकट्स आपको मिलते रहते हैं। एंड इसके साथ ही अगर आप एक सीरियस कैट MBA एस्पिरेंट है, तो हमारा पेनड्राइव कोर्स आ चुका है। इस पेनड्राइव कोर्स में आपको सारे के सारे वीडियोज मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं। साथ में भाई आपका एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है, जहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। आपको एक स्टडी प्लानर दिया जाता है, जिसमें आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। एंड इसके साथ ही जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं, उनके टेस्ट सीरीज विद डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होता है। इसके साथ आपको भाई 24/7 डाउट फोरम मिलता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। तो आप क्वांट, वर्बल, LRDA, GK का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो कैट या कॉम्बो MBA ले सकते हो, उसमें GDPI वैट का कंटेंट आपको साथ में मिल जाता है। तो इस पेनड्राइव कोर्स को करने के बाद अलग से आपको ना ही कोई बुक चाहिए, कोई कोचिंग चाहिए, कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, बिकॉज फुल फ्लेडेड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in, विद इन 4 to 5 days आपके घर पे आपकी पेनड्राइव किट आ जाएगी। अगर आपको देखने हैं नंबर ऑफ मॉक्स कितने मिलेंगे, तो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। आपको टॉपिक टेस्ट, बेसिक टू एडवांस मिलेंगे, सेक्शनल मॉक्स भी मिलेंगे। पोर्टल आपका 31 मार्च तक वैलिड रहेगा। इसके साथ ही आपका स्टडी प्लानर होगा, जिसमें आप गोल्स ऑफ द डे सेट करोगे एंड आपका डेली गोल्स आ जाएगा। उन डेली गोल्स को अचीव करके आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर ये रहा एंड इस नंबर पे आप अपनी फर्दर क्वेरीज को पूछ सकते हो। अगर मैं बात करूं आपके ऑस्कर अवार्ड्स की, तो ऑस्कर अवार्ड अनाउंस हो गए हैं। ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। काफी बार एग्जाम में ये बोल देता है एकेडमी अवार्ड्स इस बार किसको मिले, तो इस बार जो बेस्ट मूवी मिली है वो है आपकी नोमैडलैंड। उसके बाद अगर आप बेस्ट डायरेक्टर देखोगे, वो भी नोमैडलैंड के डायरेक्टर को ही मिला है। एंड ये जो डायरेक्टर है, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर, फर्स्ट चाइनीज वुमेन एंड सेकेंड वुमेन एवर टू विन दिस अवार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना एंड अपने नोट्स में प्रॉपरली इसको लिख लेना। अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करें, तो एंथनी हॉपकिंस को मिला है द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो अगेन नोमैडलैंड की एक्ट्रेस को मिला है, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहते हैं, एग्जाम में काफी बार इन चार क्वेश्चन से आपको पूछा जाता है। लेकिन आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे कॉमेंट में बताओगे कि कौन सी मूवी ने मैक्सिमम ऑस्कर अवार्ड्स इस साल जीते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंट रहता है, तो नीचे कमेंट में बताओ विच मूवी वॉन द मैक्सिमम ऑस्कर अवार्ड्स 2021। इसके बाद अगर हम बात करें, तो भाई 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ओथ ले ली है। N.V. रामना जो है ये बने हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 48 चीफ जस्टिस हैं ये। एंड इन्होंने किसको सक्सीड किया, इन्होंने सक्सीड किया ऐसे बोबडे को, जो इससे पहले रिटायर हुए थे। अब ये जो नए चीफ जस्टिस हैं, ये 26 अगस्त 2022 तक रहेंगे, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे एंड देन फिर से 49 चीफ जस्टिस को बनाया जाएगा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, कौन बने हैं करेंटली एंड किसको इन्होंने रिप्लेस किया है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट जनरल बनी है US की। तो US जो है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेनेट है, उन्होंने कंफर्म कर लिया कि वनीता गुप्ता जो है, शी विल सर्व एज द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ द US। तो ये पहली इंडियन अमेरिकन बन जाएंगी जो इस पोस्ट को सर्व करेंगी, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का जो है कौन, वनीता गुप्ता। इसके बाद अगर हम बात करें, तो रशिया जो है वो प्लान कर रहा है वापिस मून पे जाने का आफ्टर 45 ईयर्स। तो भाई रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉस कॉस्मोस, उन्होंने कहा है कि भाई हम फिर से क्या करेंगे, अपना एक मिशन लॉन्च करेंगे जिसका नाम है लूना 25, 1 अक्टूबर 2021 को टूवर्ड्स आईसी साउथ पोल ऑफ द मून। तो 45 ईयर्स बाद वो भाई अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं मून के ऊपर एंड काफी ज्यादा एक एम्बिशियस इनका ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो 51st स्टेट ऑफ US, आप सबको पता है कि US में टोटल 50 स्टेट्स हुआ करती थी एंड उनका जो फ्लैग भी था
उसमें 50 स्टार्स जो होते थे वो हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, बट अब जो वॉशिंगटन डीसी है उसको 51st स्टेट बना दिया गया है यूएस का। बिल पास हो चुका है एंड इसमें 200 डेमोक्रेट्स ने फेवर में वोट किया एंड 208 रिपब्लिकन्स ने अगेंस्ट में वोट किया। तो भाई बिल पास हो गया है एंड वॉशिंगटन डीसी हैज बिकेम द 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के जो कैग है, कैग कौन होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया का एक तरह से आप बोल सकते हो जितने भी गवर्नमेंट अकाउंट्स होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, उनका ऑडिट करते हैं कैग। अब जो इंडिया के कैग हैं उनको OPCW का भी एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है, ठीक है। OPCW का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए एक प्राउड मूवमेंट है कि इंडिया के कैग को एज एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये भी है कि करंट कैग कौन है इंडिया के, तो वो है GC मुर्मू, ठीक है। तो अब ये 3 साल के लिए इस पूरी बॉडी के एक्सटर्नल ऑडिटर रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो इलेक्ट हुआ है 3 key bodies जो यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक की बॉडीज है। तो कौन कौन सी 3 bodies है, वो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूएन वुमेन जिसमें इंडिया इलेक्ट हो गया है, इसके बाद कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस इसमें इंडिया इलेक्ट हो गया है, एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसमें भी इलेक्ट हो गया है। तो एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन इकोसॉक बॉडीज। तो आपको इन 3 नाम पता होंगे तब भी आप 4th वाला टिक कर पाओगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के बने हैं, कौन, सुशील चंद्रा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक तरह से आप मान सकते हो जो EC होता है उनके हेड होते हैं और सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो की डिसीजंस होते हैं वो इनके कंट्रोल में रहते हैं। तो सुशील चंद्रा बिकेम 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री एंड इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इन्होंने रिप्लेस किया है सुशील अरोड़ा को जो अभी रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो उज्बेकिस्तान जो है वहां पे 2023 की मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट होगी, ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है, जो एक तरह से आप बोल सकते हो मेजर बॉडी है बॉक्सिंग की, उन्होंने ये बोला है कि 2023 का जो मेन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप होगा वो उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ताशकंद यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है That became the first fully electrified railway zone in India. आपको पता है हमारी कंट्री में बहुत सारे रेलवे जोन हैं, तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा रेलवे जोन फर्स्ट फुली इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, पूरा गुला इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट हो चुका है अब। तो वो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की पहली मेडिसिन जो भाई कोविड मेडिसिन है फॉर एनिमल्स, भाई जो ज्यादातर वैक्सीन आ रही हैं वो वैक्सीन किसके लिए आ रही है, ह्यूमंस के लिए आ रही है। तो आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है जो एनिमल्स है उनके लिए पहली वैक्सीन कौन सी है। तो रशिया ने जो है वो रजिस्टर की है कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स, और ये जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया है रॉसल कॉस्डार फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ, एंड इन्होंने भाई ट्रायल करे हैं किस किस पे, कैट्स, डॉग्स, मिंक्स, फॉक्सेस, आर्टी फॉक्सेस एंड अदर एनिमल्स। तो ये बेसिकली एनिमल्स के लिए बनाई गई है कि अगर उनमें इन्फेक्शन होता है तो इस वैक्सीन से उनको सेफ किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें दादा साहिब फाल्के अवार्ड, जो एक बहुत मेजर अवार्ड माना जाता है, ये अवार्ड इस साल मिला है लेजेंडरी इंडियन एक्टर रजनीकांत को, जिनको फिल्म कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया गया है। दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो होता है वो वैसे आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, जिसने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया होता है इंडियन सिनेमा में, उसको दिया जाता है एज अ ऑनर, एज अ ट्रिब्यूट। तो रजनीकांत ने क्योंकि काफी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मूवी सेगमेंट में, तो इसलिए इस साल इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आई होप आपको यहाँ पे मेजर मेजर सारी करंट अफेयर समझ में आ गई हैं, इसके आपने प्रॉपरली नोट्स बना लिए हैं। नोट्स नहीं बनाए तो ये इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके फॉलो कर लो, यहाँ पे हम सारे नोट्स पोस्ट करते रहते हैं, और जितने भी मैं एपिसोड लाता हूँ मंथ बाय मंथ उनके प्रॉपरली नोट्स बना लिया करो, ताकि एग्जाम में डायरेक्टली आप रिवाइज करो एंड यू आर गुड टू गो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।